खासे जो लोग थोड़े से हेल्दी है, हेल्दी हम कहेंगे उनको, ज्यादा हेल्दी है, तो उन लोगों में दो ही मिल लेने हैं, टू मिल्स लेने हैं। टू मिल्स का यहाँ पे मतलब है, कई लोग क्या करते हैं, एक बार ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, एक बार फ्रूट्स खा लेते हैं, एक बार कुछ चना सिंगाना ऐसा कुछ खा लेते हैं, और एक बार नाश्ता, एक दो बार भोजन, और फिर हम पूछेंगे कितनी बार खाना खाया तुमने, तो दो बार खाना खाता हूँ। तो इसको दो बार खाना नहीं कहते। अब जितनी बार मुंह खोलेंगे और जितनी बार इसमें खाना जाएगा, उतनी बार आपका भोजन कहलाया जाता है। तो जो लोग ज्यादा हेल्दी है, वो लोग शरद ऋतु में भी दो ही बार भोजन करे, मतलब वो 10 बजे, शाम को 6 बजे, 11 बजे, 7 बजे, इस प्रकार से भोजन कर सकते हैं। और दूसरे जो लोग हैं, वो 3 बार भोजन कर सकते हैं। सवेरे वो हल्का सा नाश्ता कर ले, और फिर दोपहर में 12-1 बजे के करीब भोजन करे, और शाम को लगभग 7-7.5 बजे की तरफ भोजन करे। तो इस बार से वो 3 प्रकार से मील ले सकते हैं। नॉर्मली ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम 3 मील ले रहे हैं, तो हमेशा एक मील हमारा हेवी रहेगा, एक मीडियम रहेगा, और एक एकदम लो मील रहेगा। अगर आप ब्रेकफास्ट हेवी ले रहे हैं, तो दोपहर को आप कम भोजन करेंगे, उससे कम भोजन करेंगे, और रात में आप मिनिमम टू मिनिमम भोजन करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए। नमस्ते, आज हम लोग बादावेरी गांव में आ गए फिर से एक बार, और सभी बच्चों के लिए और सभी माता बहनों के लिए एक मेडिकल कैंप किया, जिसमें डॉक्टर सजला बहन जो है हमारे साथ रहे, और उन्होंने बच्चों को काफ़ी बातें बताई भी और उनको देखा भी। इसमें कुछ बच्चे जो है जिनको दांत की शिकायत है और कुछ फोड़ा फुंसी भी आया, उनके लिए उन्होंने इलाज भी बताया। माता बहनों को आयरन कैल्शियम के टैबलेट्स भी दिए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी उन्होंने किया, जो भी सवाल उन्होंने पूछा है। तो हमारे साथ यहाँ जो स्कूल चला रहे हैं मास्टर जी हैं। मास्टर जी नमस्ते, आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए, आपको कैसे लगा और क्या क्या। नमस्ते सर जी, आज का कार्यक्रम बच्चों के लिए, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इन्होंने, सर ने, मैडम ने हमारे को अलग अलग तरह से दांत है, फुंसी है, कोई भी घर में जो देसी दवाई है उनके बारे में बताया, तो कैसे इलाज करवानी, पूरे दिन काम करते हो, क्या नहीं खाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए क्या अच्छा है, हेल्दी है, वो मतलब सब बताया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे बार से पधारे, उसके लिए मैं धन्यवाद देना जी। पहली बार आप आए हैं? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो अनएजुकेटेड है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं चलता कि छोटी सी चीज़ें कब चीज़ें बड़ी हो जावे क्या जी, जी। तो मैम ने सारी चीज़ें देसी बताई है, और ये सारी चीज़ अपने घर के अंदर अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें से अगर ये करेंगे तो फिर इन फ्यूचर इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। जी जी, चलिए मुकेश जी, आपको क्या लगता है, ये रोड वगैरह का जो अपन प्लान कर रहे हैं वो हो जाएगा? एक्चुअली मैं, गीता मैम ने मुझे यहाँ भेजा है बिल्कुल, और ये देखने के लिए कि यहाँ पे रोड बन सकता है, नहीं बन सकता, किस टाइप से बन सकता है, तो वही चीज़ का मैं निरीक्षण करना आया था, और मैंने देखा है तो संभव है कि इधर बन सकता है। ओके, तो आगे फिर मैम से मैं ये बात करूँगा, डिस्कस करूँगा बिल्कुल बिल्कुल, या किस तरह से कैसे क्या करना है। थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और गीता दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, मोड़ी भाई हमारे साथ है, जो यहाँ के जो महिलाएं हैं उन सभी को बड़े प्यार से उनको समझाती हैं उनकी भाषा में, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं और यहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो वो भाषा में उनको समझाती हैं। तो मोड़ी भाई बताइए, आपको कैसे लगा आज का कार्यक्रम, क्या सीखा? क्यों लगवा जी नहीं, अपनी भाषा में बोलो ना, आपको क्या लगता है? अरे इलाज दे बता दिन के दे आपने पसंद बोला तो ये कोई दो तरह देवान भी जे नारे बता दिस से घरे इलाज ने बोल तो बता दे हल्दी मिक्स कर लें, तेल मिक्स कर लो, ऐसे अंदर पाना, ऐसे उन कर देना, ठंडा पानी में नहीं झिल लूँ, ऊना पानी में झिल लूँ, गर्म पानी में ऐसे झिल लूँ, तब बुखार आवे तो ठीक है। मोड़ी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए अभी सभी बच्चे जो है बड़े प्यार से यहाँ पर धूप में खड़े हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं खड़ा करना है इनको, एक जो है विशेष हम लोग नारा लगाते हैं, और हमारे राजेंद्र सर जो है करता धरता है यहाँ के, तो वो एक अच्छा नारा देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो नारा भी दे। अपन बोलेंगे बादावेरी हो या गुवाहाटी, आप सब बोलेंगे अपना देश अपनी माटी, आपको बोलना है बादावेरी हो या गुवाहाटी, बादावेरी हो या गुवाहाटी, बादावेरी हो या गुवाहाटी,
धन्यवाद धन्यवाद ओम शांति शुक्रिया।